वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। YouTube में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। SCS डेली क्विज में हम डेली टॉप 50 के क्विजेस कराते हैं जितने भी UPPCS के आगामी एग्जाम होने वाले हैं। तो यहाँ पे आप इस ग्रुप को ज्वाइन करके जितने भी क्वेश्चंस होते हैं आप इसको अटेम्प्ट करके अपनी तैयारी को बेहतर रूप दे सकते हैं। ग्रुप का नाम यह है SCS डेली क्विज। अगर आप यहाँ इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करेंगे तो आपको यहाँ पे टेलीग्राम चैनल का हमारा लिंक मिलेगा, आप इसको ज्वाइन करें और डेली क्विजेज अटेम्प्ट करें। तो हम अपने अगले वीडियो को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि फीफा विश्व कप 2026 का जो होगा कहाँ पर आयोजित होने वाला है, किन देशों में आयोजित होगा। तो यहाँ पे देखिए लगभग 2-3 कंट्री के ऐसे पेयर में ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो हमारा जो 2026 का शेड्यूल्ड है वो USA, कनाडा और मेक्सिको, ये 3 देशों में संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट होगा इसके लिए। और फीफा वर्ल्ड कप होता किसके लिए है तो ये आपको पता ही होगा कि फुटबॉल के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा, ए जो है करेक्ट हो गया। माथुरी लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है, ठीक है। तो जिस प्रकार उत्तर प्रदेश राज्य में कथक काफ़ी फेमस है ना, केरला वगैरह मोहिनी अट्टम फेमस है, तो माथुरी अगर देखेंगे हम यहाँ पे तो एक प्रकार का ये लोक नृत्य जो है ये तेलंगाना में करते हैं। तो ऑप्शन हमारा ए जो होगा करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। अगला देखिए, किसी वस्तु की से और तक, यानी कि जिसको टू एंड फ्रो कहते हैं, या फिर पीछे और आगे जिसको बैक एंड फोर्थ कहते हैं, तो इस गति को किस रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो मान लीजिए जैसे कोई वस्तु है ये वाली, और ठीक है तो जैसे मान लीजिए ये जैसे यहाँ मान लीजिए ये ए पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट जो है ए है और यहाँ पे कोई पॉइंट है बी, ठीक है। तो अब यहाँ से और यहाँ तक, ठीक है, या फिर इसको ये वाला सिरा पिछला हो गया, ये अगला सिरा हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक जैसे कि जो गति होगी उस वस्तु की तो उसको किस रूप में जानते हैं, ठीक है, तो उसको वाइब्रेशन या फिर कंपन बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा जो डी वाला है यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए कि जुलाई 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सबसे अधिक बार भारत की कप्तानी की है, ठीक है। तो जो ODI इंटरनेशनल्स होते हैं क्रिकेट के अंदर, तो अगर उसमें देखेंगे कि भारत की कप्तानी के मामले में सबसे ज़्यादा जो कप्तानी की है जुलाई 2021 तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार, तो सबसे ज़्यादा कैप्टनसी की है महेंद्र सिंह धोनी ने, ठीक है। इनके आसपास भी अभी कोई आंकड़े में नहीं है, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए कि विद्युत सेल के प्रतीक में मोटी और छोटी रेखा निम्न में से किसका निरूपण करती है, मतलब कि किसको रिप्रेजेंट करती है। तो जैसे कि हमारा जो इलेक्ट्रिक सेल होता है तो उसका सिंबल कुछ ए इस प्रकार का होता है, ठीक है, ऐसे देखेंगे आप। तो जो छोटी वाली लाइन होती है थोड़ी मोटी होती है तो ये नेगेटिव टर्मिनल होती है, और जो बड़ी लाइन होती है ये पॉजिटिव टर्मिनल होती है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। यही पूछा गया है ना कि जो मोटी रेखा है और छोटी है तो इनमें से किसका निरूपण करेगी, वो तो नेगेटिव टर्मिनल, ऑप्शन सी करेक्ट है। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से निम्न में से किस देवता को समर्पित हैं, ठीक है। तो जो एलिफेंटा केव्स हैं वहाँ पे अगर देखेंगे तो प्रीडोमिनेंट रूप में भगवान शिव की प्रतिमाएं या मूर्तियाँ कह लीजिए ये सब आपको मिलेंगी, तो ये उन्हीं के लिए समर्पित एक तरीके से माना गया। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है यहाँ पर। अगला देखें कि उत्तर प्रदेश भारत के कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो मैप में अगर आप लोकेट करेंगे तो ये संख्या निकल के आएगी टोटल 9। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। एक बार मैप में इसको लोकेट कर लें, एग्जाम में कई बार आपसे पूछा जाता है ये फैक्ट। अगला देखेंगे कि यहाँ हिंदी में देख लेते हैं कि किसी स्क्रीन पर बनी छवि को कौन सी छवि कहा जाता है, जबकि एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि को एक कौन सी छवि कहा जाता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कोई स्क्रीन है तो उस पर अगर कोई छवि बन रही है, ठीक है, तो वो हमारा हो जाएगा, ये इसमें ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पे दिए हुए हैं। तो हमारा पहले ब्लैंक्स में जो स्पेस है हम भरेंगे रियल, यानी कि ये वास्तविक छवि होगी, और समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि जो है हमारी उसको हम बोलेंगे क्या, आभासी, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा ए जो है ये इसके लिए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो इसका ऑप्शन यहाँ नीचे दिया हुआ है, ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला देखते हैं, अब देखिए यहाँ पे यह प्रश्न हिंदी में दिया हुआ है, इसका इंग्लिश वर्जन जो है वो नीचे है, तो दोनों भाषाओं में आप चीज़ों को यहाँ पे देख पाएंगे सारे प्रश्नों को। तो फिलहाल हम हिंदी वाले में देखते हैं इस प्रश्न को, 9 नंबर को, कि निम्न कथनों में से कौन सा सही है। काफ़ी ध्यान से देखा करिए, सही पूछा जा रहा है या गलत पूछा जा रहा है, ठीक है। तो सही हमको बताना है, तो देखते हैं स्टेटमेंट्स अपने। पहला स्टेटमेंट है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल गलत है, राज्यपाल जो होते हैं वो
प्रेसिडेंट है ना, उनके प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। दूसरा है राज्यपाल अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री को सौंपते हैं, ये भी गलत है, वो प्रेसिडेंट को ही अपना इस्तीफा सौंपेंगे। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये कथन हमारा बिल्कुल ठीक है। चौथा है कि राज्यपाल के रूप में नियुक्त के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु जो है 30 वर्ष है, ऐसा नहीं है ये 35 वर्ष की है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन जो सी वाला होगा यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे भी देख लीजिए उसको नीचे इंग्लिश में, तो हमारा इसमें ऑप्शन थोड़ा ऊपर नीचे दिया हुआ है, तो इसके लिए इंग्लिश वर्जन में हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। चलिए अगला देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसने 1837 में पहली बार ब्राह्मी लिपि को समझा था, ठीक है। तो ब्राह्मी लिपि के बारे में आपने कई सारे फैक्ट्स पढ़े होंगे, तो सबसे फर्स्ट टाइम इसको जो कह लीजिए डेसिफर किया, पहली बार इस लिपि को समझा, वो उनका नाम था जेम्स प्रिंसेप। तो ऑप्शन हमारा डी जो है इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट है। अगला देखेंगे कि भारत के संविधान के निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग मतलब कि इम्पीचमेंट की प्रक्रिया प्रदान करता है। तो प्रेसिडेंट का जो इम्पीचमेंट है आर्टिकल 61 में दिया हुआ है, ठीक है, और 61 में बेसिकली प्रोसीजर दिया हुआ है, उसकी जो पावर्स दी हुई हैं इम्पीच करने की वो आर्टिकल 56 में भी मेंशन है, उसको भी एक बार आप देखेंगे। तो ऑप्शन हमारा ए यहाँ पे करेक्ट है। अगला देखेंगे निम्नलिखित में से कौन भारत में अंग्रेजी शिक्षा के एक बड़े समर्थक थे, ठीक है। तो इनका नाम था टीबी मैकॉले, और भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रति इन्होंने काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स वगैरह स्टार्ट किए भारत में। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, ठीक है। तो जिस प्रकार आप पढ़ते हैं कि झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थी, है ना, ऐसे तो अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग हुए, तो उसी प्रकार हम यहाँ पे सिर्फ जैसे हमसे बिहार से पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे कुंवर सिंह थे। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, इन्होंने नेतृत्व किया 1857 की क्रांति का बिहार के अंदर। अगला देखिए कि वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, ठीक है, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक सांविधिक बहुविषयक निकाय है, ठीक है, स्टेट्यूटरी मल्टीडिसिप्लिनरी बॉडी। तो इसका मुख्यालय आपसे पूछा जा रहा है, तो जो वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो का ऑफिस है मतलब हेडक्वार्टर है, ये है आपका न्यू दिल्ली के अंदर। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये नीचे ऑप्शन हम सेलेक्ट कर लेंगे। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत और चीन के बीच स्थित एक पहाड़ी दर्रा है, ठीक है। ऑप्शन देख लीजिए यहाँ नीचे, काराकोरम दर्रा हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो लद्दाख वाला जो एरिया है वहाँ पे काराकोरम की जो श्रेणियाँ हैं वहाँ पे स्थित है, तो ऑप्शन सी करेक्ट रहा इसके लिए। अगला देखिए कि निम्नलिखित में से कौन जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने, एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो ये भारत के फर्स्ट एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर रहे, जिनका नाम था गुलजारीलाल नंदा। इनको जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु के बाद कुछ समय के लिए बनाया गया एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो गया यहाँ पे। अगला है कि जुलाई 2020 में भारत में डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ठीक है, DPIIT एक डिपार्टमेंट का नाम है, तो इनके द्वारा इंश्योरेंस इंटरमीडियरी कंपनियों के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो FDI होती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो इसका प्रतिशत कितना निर्धारित किया गया है। तो भारत में जैसे जो भी सेक्टर्स हैं तो उसमें कुछ कुछ सेक्टर में कुछ अलग अलग प्रोविजंस हैं कि यहाँ पे जैसे 49% किसी में है, किसी में 74% है, ठीक है, किसी में 100% है, किसी में और कुछ लेस परसेंटेज होंगे। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जो हमारी इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज हैं, ठीक है, तो इनकी इनमें FDI की जो लिमिट है वो जुलाई 2020 की स्थिति के हिसाब से आपसे पूछा जा रहा है, तो ये उसी समय इसको चेंज करके 100% किया गया था, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे कि उस अलैंगिक प्रजनन को जिसमें जड़ों तनों पत्तियों और कलियों से नए पौधे तैयार किए जाते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो जैसे कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो रही है जिसमें नेचुरल उसमें प्रजनन नहीं हो पा रहा है पेड़ों में, तो जैसे आपने देखा होगा कि जो हमारी नर्सरीज वगैरह होती हैं, जो पेड़ पौधों के ऐसे शॉप्स होती हैं, वहाँ पे इस तरीके की चीज़ें ऐसे करी जाती हैं कि उसमें मान लीजिए कुछ दो वेराइटीज़ को ऐसे मिलेट करके कुछ नया बनाया जा रहा है ना, पत्तियों को जोड़ा जा रहा है, तनों को जोड़ के कुछ नया बनाया जा रहा है, या अलग से एक पौधा किसी एग्जिस्टिंग पौधे में से बनाया जा रहा है, तो ऐसी प्रक्रिया को किस नाम से जानेंगे, तो उसको बोलते हैं वनस्पतिक प्रजनन या फिर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो ऑप्शन हमारा जो डी है ये करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अगला देखें कि मनोज दास द रिसिपियंट ऑफ, अब यहाँ पे देखिए कुछ अवार्ड्स के नाम लिखे हुए हैं, ठीक है, तो ये अवार्ड इनको मिला 2020 में इन द डोमेन ऑफ लिटरेचर एंड एजुकेशन, डाइड इन अप्रैल 2021, ठीक है। तो मनोज दास जी जो थे इनका अप्रैल 2021 में अभी निधन हुआ, और इनको शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में पद्म भूषण 2020 का मिला था, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा
ए जो होगा इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि किस अंतरिक्ष एजेंसी ने जानबूझकर एक अंतरिक्ष यान को क्षुद्र ग्रहों में दुर्घटनाग्रस्त करने के लिए डार्ट मिशन शुरू किया है। ठीक है, तो बेसिकली डार्ट मिशन है क्या, किसका नाम है, डबल एस्टेरॉयड रेडिएशन सॉरी रीडायरेक्शन टेस्ट। तो इस मिशन में होगा क्या कि जैसे मान लीजिए कोई एस्टेरॉयड आ रहा है, उसको पृथ्वी से मान लीजिए टकराने की संभावना है, तो एक स्पेसक्राफ्ट को इंटेंशनली इस हिसाब से लॉन्च किया जाए कि वो जाके उस एस्टेरॉयड से वो एटमॉस्फेयर में ही टकराए और वहाँ पे क्रैश हो जाए, ताकि नीचे जो चीज़ें हैं वो सेफ हो सकें। तो ये मिशन शुरू किया है आपका नासा ने, ठीक है, अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा। तो ऑप्शन हमारा सी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए कि अब ब्लैंक स्पेस में भरना है कि हु हैज़ वॉन द 2021 ATP फाइनल्स। ठीक है, तो ATP टूर्नामेंट जो बैडमिंटन का होता है, तो यहाँ पे इसको 2021 वाले को जीता है अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। अगला है कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा के लिए उन्मूलन हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है कब मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमन। तो ये मनाते हैं हर वर्ष 25 नवंबर को। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखेंगे कि हाल ही में पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर तांत्या मामा रेलवे स्टेशन कर दिया गया है, तो यह निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। तो तांत्या मामा रेलवे स्टेशन जो है ये आपका इंदौर के अंदर है। ठीक है, और तांत्या चूँकि ये तांत्या नाम इसलिए पड़ा कि एक वहाँ पे ट्राइबल हीरो माना जाता है उनको, तांत्या भील नाम था उनका। ठीक है, तो इनकी स्मृति में इस चीज़ को रीनेम करके ऐसा स्टेशन का नाम रखा गया है। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है यहाँ पे। अगला है कि CSIR जिज्ञासा कार्यक्रम के तहत बच्चों के लिए भारत की पहली वर्चुअल साइंस लैब किसने लॉन्च की है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम ध्यान रखें, CSIR जिज्ञासा प्रोग्राम है, और इसके लिए फर्स्ट वर्चुअल साइंस लैब जो है वर्चुअल माध्यम में आभासी माध्यम में बच्चों के लिए जो लॉन्च की गई है, ये इसको किया है हमारे जितेंद्र सिंह जी ने जो यूनियन मिनिस्टर हैं। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अगला देखिए कि हाल ही में ब्लैंक स्पेस, अब यहाँ पे देखिए कुछ बैंक्स नीचे लिखे हुए हैं, अभी हम आपको पूरा ऑप्शन दिखाते हैं। तो किस बैंक ने व्यक्तिगत डेयरी किसानों के वित्त पोषण के लिए पौंडीचेरी कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड, ठीक है, एक संगठन है पॉन लेट करके लिखा हुआ है, तो इनके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो समझौता ज्ञापन किस लिए हस्ताक्षरित किया गया, व्यक्तिगत डेयरी किसानों के वित्त पोषण के लिए, फाइनेंसिंग इंडिविजुअल डेयरी फार्मर्स। और इसमें जो ये बैंक जिसने कोलैबोरेशन ये किया है, तो ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, हाल ही में भारतीय तट रक्षक बल, ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड जो है, तो इन्होंने किन दो देशों के, यहाँ पे देखिए कुछ देश के नाम लिखे हो ना, तो किन दो देशों के साथ द्विवार्षिक त्रिपक्षीय अभ्यास जिसका नाम है दोस्ती आयोजित किया है। ठीक है, तो दो वर्षों में एक बार द्विवार्षिक है, और ये मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है दोस्ती, और ये ऑर्गेनाइज किया गया है मालदीव्स और श्रीलंका के साथ। तो ऑप्शन हमारा जो डी है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें कि किस देश के पूर्व राष्ट्रपति चुन डू ह्वान का हाल ही में निधन हुआ है। ठीक है, तो ये चुन डू ह्वान जो थे साउथ कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति रहे। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें कि हाल ही में भारतीय रेलवे ने थीम आधारित पर्यटक सर्किट ट्रेनों के तहत नई योजना भारत गौरव की घोषणा की है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। जैसा कि रामायण एक्सप्रेस आप देखते होंगे, है ना, और भी थीम बेस्ड सर्किट ट्रेन चलती हैं, तो भारत गौरव इनिशिएटिव इसीलिए है कि थीम आधारित पर्यटक सर्किट ट्रेन, ये मतलब ऐसी ट्रेन चलाई जा सकेंगी इस योजना के अंतर्गत। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट था, ये देखा आपने। हाल ही में मणिपुर में रानी गैदिनल्यू, ठीक है, जनजाति स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की आधारशिला किसने रखी है। ठीक है, तो मणिपुर के अंदर ये जो हमारा फाउंडेशन स्टोन रखा गया है अमित शाह जी के द्वारा। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। जो यूनियन होम मिनिस्टर हैं, इन्होंने रानी गैदिनल्यू जनजाति स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की आधारशिला रखी। तो ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पर। अगला देखें कि भारत में नवंबर अपडेट यहाँ पर दी हुई है, तो मतलब नवंबर में कौन सी तारीख को सिखों के नौवें गुरु जिनका नाम है गुरु तेग बहादुर, तो इनके शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये डेट है आपकी 24 नवंबर। तो ऑप्शन हमारा सी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। अगला है कि हाल ही में अब कौन सा देश यूके और यूएसए के साथ नए परमाणु संचालित पनडुब्बी रक्षा संगठन का हिस्सा बन गया है। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन डिफेंस अलायंस जो है, तो इसमें यूके यूएसए और तीसरा कौन सा देश है जो उसका
मेंबर बना है, तो ये है आपका ऑस्ट्रेलिया। तो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया ए वाला। ठीक है, इन जितने भी क्वेश्चंस ये करंट अफेयर्स बेस या फिर जितने भी स्टैटिक क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, इससे संबंधित जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं, आप इसको अपने से जरूर पढ़ लिया करें, क्योंकि आपके लिए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वही यहाँ पर ढूंढ ढूंढ के बना के कराए जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन अगला क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पे नीचे। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत की वास्तविक जो रियल जीडीपी वृद्धि है कितने प्रतिशत का उसका अनुमान लगाया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अकॉर्डिंग टू जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है, ठीक है, प्रधानमंत्री की, उसके हिसाब से आपसे पूछा जा रहा है। तो जो फाइनेंशियल ईयर हमारा अपकमिंग 2022-23 का है, उसके लिए जो इंडिया की रियल जीडीपी ग्रोथ यहाँ पे इन्होंने एस्टिमेट लगाई है वो है 7 to 7.5%। ठीक है, तो 7 से 7.5% के बीच रियल जीडीपी ग्रोथ, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। अगला देखें, रिजॉल्व यूनाइटिंग नेशंस इन अ डिवाइडेड वर्ल्ड किसकी आत्मकथा है। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी है ये पुस्तक का नाम यहाँ पे है। तो ये यूएन के जो पूर्व अध्यक्ष रहे इनका नाम है बान की मून। ठीक है, तो इन्होंने लिखा है इस पुस्तक को, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें, कुकिंग टू सेव योर लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी है। ठीक है, तो इसके लेखक हैं अभिजीत बनर्जी। ठीक है, और अभिजीत बनर्जी को आप जानते होंगे कि फेमस इकोनॉमिस्ट हैं, और इनको वर्ष 2019 में इनको इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, और इनके साथ एस्चर डुफ्लो जो है इनको भी दिया गया था, चूंकि ये अभिजीत बनर्जी की ही वाइफ है। ठीक है, तो इन दोनों लोग को संयुक्त रूप से 2019 में नोबेल पुरस्कार दिया गया इकोनॉमिक्स के अंदर। तो अभी हाल ही में इन्होंने ये पुस्तक भी एक तरीके से लिखी है, तो जिसका नाम है कुकिंग टू सेव योर लाइफ, तो इसको ध्यान में रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। ठीक है, तो अगर आप क्रिकेट वगैरह खेलते हैं या देखते हैं तो आपको पता ही होगा क्रिकेट से संबंधित है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। अगला देखें कि निम्नलिखित में से कौन सा रेनिन हार्मोन का कार्य है। ठीक है, तो जो हमारा हार्मोन होता है रेनिन, ठीक है, तो रेनिन का वर्क ऑप्शन ए वाला है कि इट असिस्ट इन ब्लड प्रेशर कंट्रोल, ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे कि खसरा रोग किसके कारण होता है। ठीक है, तो जो खसरा की बीमारी होती है वो वायरस ही होता है, बट वो आरएनए वायरस होता है। ठीक है, तो कंफ्यूज भी कर सकते हैं आपको कि डीएनए आरएनए एक साथ देखे, तो आरएनए वायरस ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। बंची टॉप इज अ डिजीज ऑफ विच फ्रूट। ठीक है, तो बंची टॉप जो है किस फल का रोग है, तो बंची टॉप होता है बेसिकली केले के अंदर। ठीक है, तो इन्हीं सब चीज़ों के कारण बाद में आपने देखा होगा केले के ऐसे पेड़ जो होते हैं वो पीले पड़ने लगते हैं, फसल खराब हो जाती है, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है इसके लिए। किण्वन की प्रक्रिया जो है किसके अभाव में संपन्न होती है, द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। ठीक है, तो जो ब्रेड वगैरह जैसे बनती है ना, फर्मेंटेशन वगैरह उसमें यूज होता है, तो यहाँ पे जो फर्मेंटेशन की प्रक्रिया होती है उसमें ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है, तभी जाके वो प्रक्रिया हमारी सक्सेसफुल होती है, तो ऑप्शन हम ए चूज करेंगे यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा रोग आनुवंशिक विकार है। ठीक है, तो जैसे कुछ बीमारियां जो जेनेटिक डिसऑर्डर होती हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके फैमिली में किसी ग्रैंड पेरेंट्स को है, तो फिर पेरेंट्स में आ गया, फिर आप किस जनरेशन में आ गया, तो अगर उनमें देखेंगे तो डाउन सिंड्रोम, सिकल सेल एनीमिया और सिस्टिक फाइब्रोसिस। ठीक है, ये तीन के तीनों ही हमारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं। इसके साथ साथ और भी बीमारियां होती हैं, जैसे टैक्से रोग होता है। ठीक है, तो तमाम बीमारियां हैं जो जेनेटिक डिसऑर्डर के श्रेणी में आती हैं, तो यहाँ पे हम ऑप्शन डी चूज करेंगे। अगला देखिए कि यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा है कि हाइड्रोजन जो है नाइट्रोजन से हल्का है। ठीक है, तो मान लीजिए हाइड्रोजन है तो ये नाइट्रोजन से हल्का है। ठीक, अब अगला उसके आगे है कि नाइट्रोजन जो है हीलियम से हल्का है, तो अब नाइट्रोजन ये है और ये हल्का है किससे, हीलियम से। ठीक है, तो इसलिए हीलियम तीनों गैसों में सबसे भारी है। ठीक, तो उपरोक्त निष्कर्ष क्या है, तो अब ये स्टेटमेंट जो है इसके हिसाब से अगर देखेंगे तो यहाँ पे हीलियम गैस जो है ये सबसे ज़्यादा भारी है इन तीनों में। ठीक, तो हमारा इसमें ऑप्शन जो सी वाला हो जाएगा ये करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को क्वेश्चन के हिसाब से सॉल्व करें, रियल में चाहे उनके कॉम्पोजिशन जो भी हों गैसेस के या एटम्स के, लेकिन यहाँ पे इसके हिसाब से हम देख रहे हैं, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट होगा इसके लिए। अगला देखें कि पेलाग्रा इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ। ठीक है, तो जो पेलाग्रा की बीमारी होती है वो विटामिन B3 है ना, इसकी कमी से होती है, नियासिन भी इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। चलिए अगला देखेंगे कि गोल्डन राइस जो होता है, गोल्डन राइस की किस्म किसमें समृद्ध होती है। ठीक है,
तो गोल्डन राइस में बेसिकली बीटा कैरोटीन जो है काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है और काफ़ी न्यूट्रिशियस वैल्यू होती है गोल्डन राइस की। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि टाइफाइड बुखार जो होता है किसके कारण होता है। ठीक है, तो टाइफाइड बुखार का जो हमारा कॉजेटिव एजेंट है ये बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु होता है। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। सितंबर 2021 तक भारत के किस राज्य में सबसे कम जिले थे। ठीक है, तो अगर सितंबर 2021 की स्थिति हम देखें तो चूंकि गोवा जो है सबसे छोटा यहाँ पे स्टेट है और इसमें सिर्फ दो डिस्ट्रिक्ट आते हैं, नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। लखनऊ समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, तो ये बात हो रही है बेसिकली एक ये जो अग्रीमेंट हुआ था हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बीच में। ठीक है, तो ये 1916 के अंदर हुआ लखनऊ के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे एक ज्वाइंट सेशन हुआ इनका और इसके पैक्ट के द्वारा दोनों पार्टी जो है वो अग्री हुई किस चीज़ के लिए कि जो हमारा रिलीजियस माइनॉरिटीज़ थी उस टाइम पे उनका रिप्रेजेंटेशन जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स उस टाइम पे थे वहाँ पर उनको रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। तो इसलिए हम ऑप्शन यहाँ पे सी चुनेंगे कि लखनऊ समझौते का जो वर्ष है 1916। अगला देखें कि निम्नलिखित में से कौन ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिनकी डिज़ाइन के आधार पर वर्तमान भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को डिज़ाइन किया गया। तो जो अभी वर्तमान में आप तिरंगा झंडा देखते हैं, ठीक है, ऐसे ट्राई कलर, तो ये जो डिज़ाइन है उस टाइम पे हमारे पिंगली वेंकैया जो थे इन्होंने हमारे फ्लैग को डिज़ाइन किया। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि ये भूषी झील जो है भारत के किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो भूषी झील जो है ये है आपका महाराष्ट्र के अंदर। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए कि कौन सी ग्रंथि ऐसा कॉर्टिसोल पैदा करती है जिसे अक्सर मनुष्यों में तनाव हार्मोन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो जो हमारा स्ट्रेस हार्मोन है, ठीक है, स्ट्रेस हार्मोन उसको किस नाम से जानते हैं, कॉर्टिसोल। और ठीक है, और ये जो हमारा प्रोड्यूस होता है कौन सा ग्लैंड है हमारा, तो ये एड्रीनल ग्लैंड होता है, अधिवृक्क ग्रंथि। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो आज के वीडियो में इतने ही सारे क्वेश्चन जो हमने देखे, अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे। इन सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिए। अगले वीडियो तक नमस्कार, जय हिंद।